नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपनी भलाई चाहते हो तो दोस्तों इसे अभी पहचान लो। आने वाले अगले 48 घंटों में यह आपकी जीवन को बदल सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 48 घंटों के अंदर एक देवी माँ आप सभी के घर चरण स्पर्श करवाने वाली है। तो दोस्तों, इन्हें आप बिल्कुल ही पहचानने में भूल ना करें और कोई भी यश में आप गलती ना करें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले 48 घंटों में आप सभी की जीवन काल में बहुत ही बड़े बदलाव आप सभी को देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों, आपके प्रत्येक क्षेत्र में यह देवी माता बहुत ही बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। तो दोस्तों, यश में आपको कोई भी गलती ना करना है और इन्हें पहचानना आप सभी का दायित्व होता है। जी दोस्तों, अगर आप इन्हें पहचान लिए तो दोस्तों आप अपने नसीब को ही ढूंढ लेंगे। जय दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्यों दोस्तों इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि कैसे आप 48 घंटों के अंदर इस देवी माता को पहचान सकते हैं और इस देवी माता के आशीर्वाद से आने वाले 48 घंटों में आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होने वाले हैं, प्रत्येक क्षेत्र में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां इसमें मिलने वाली है। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें जय माँ दुर्गा। दोस्तों, माता दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल पर प्राप्त होगा और सभी संकट समस्याओं से आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। जय दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात से जो कि दोस्तों आने वाले 48 घंटों में आपको याद रखने हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, इन बातों से आप सभी के जीवन काल में गजब की इच्छा शक्ति जागृत होगी। तो दोस्तों इन्हें भी आप बहुत ही गौर से सुनिएगा कि दोस्तों, एक मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाला ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर ईश्वर, उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आसपास में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतलों के सामने लोग शीश झुकाते हैं। जी दोस्तों, अगर आपको यह बातें सच्ची लगी हो, इन बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों इनके लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों, जगह साथ बात करते हैं कि आने वाली 48 घंटों के अंदर यह देवी महिला की आप पहचान कैसे कर सकते हैं और आने वाले 48 घंटों में आप सभी के जीवन काल में ये कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस देवी महिला की आप पहचान कैसे कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगले 48 घंटों के अंदर सोते समय अगर आपको अपने सपनों में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि दिखाई दे तो दोस्तों इनसे आपको समझ जाना है कि दोस्तों आपके घर में यह देवी का वास होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि अगले 48 घंटों के अंदर यह देवी माता आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े चमत्कार करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, प्रॉपर्टी से संबंधित गतिविधियों में बेहतरीन सफलता मिलने के योग है। फाइनेंस से संबंधित कार्यों में सकारात्मक परिणाम भी हासिल होंगे। दोस्तों तथा परिवार के साथ कुछ समय मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी बनेंगे जिससे दोस्तों यश में मन प्रफुल्लित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में सावधानी की अगर बात करें तो यह समय अपनी भावनाओं पर संयम रखें। दोस्तों, आपकी यह कमजोरी का कोई फायदा भी उठा सकता है। किसी के साथ बात विवाद में यश में ना पड़े, अन्यथा पुलिस आदि के चक्कर भी लग सकते हैं। ऋण संबंधी कार्यों में भी यश में आप इनसे दूर रहें तो आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे अपनी भावनाओं को किसी के सामने प्रकट करते समय उनकी भावनाओं को भी ध्यान में रखना आपके लिए बेहतर होगा। कोई भी निर्णय लेते समय निर्णय से जुड़े लोगों के साथ चर्चा करके ही आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना दोस्तों नाराजगी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अविवाहित लोगों के लिए जो समय है बहुत ही शुभ समय रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपका बहुत अधिक सोच विचार और फिर सोच समझकर निर्णय लेना तथा कार्यों को स्वयं ही निपटाना आपका विशेष गुण रहेगा। दोस्तों यश में आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखकर महत्वपूर्ण उपलब्धियों को भी हासिल करने में सक्षम रहेंगे। रुका हुआ पैसा टुकड़ों में मिलेगा परंतु इससे आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो जाएगी।
इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, ध्यान रखें कि किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति का आपके द्वारा अपमान ना हो। कभी कभी किसी विषय पर गहराई से जानने की इच्छा आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। सामाजिक गतिविधियों में भी अपना योगदान अवश्य दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों मन में चल रहे तनाव को किसी के सामने बोलने की आवश्यकता होगी। यदि आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है तो दोस्तों ना बोलना आपको सीखना होगा। दोस्तों आपके वर्ताव की वजह से परिवार के लोगों की जो है आप पर नाराजगी बन सकती है। दोस्तों यश में निवेश संबंधी महत्वपूर्ण योजनाएं भी बनेगी। कोई दूरदराज की लाभदायक यात्रा होने की भी योग बन रहा है। इसके उपरांत दोस्तों कभी कभी आपके स्वभाव में उग्रता और गुस्सा आपको कोई नुकसान पहुँचा सकता है तथा यश में स्वभाव की वजह से नजदीकी लोगों के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग अपने स्वास्थ्य का जो है इसमें ध्यान रखें। इसके उपरांत दोस्तों यह समय भूतकाल में लिए हुए निर्णय का आर्थिक फायदा यश में आपको मिल सकता है। दोस्तों आ रहे पेशे का योग्य तरीके से निवेश करना होगा, वरना जितना पैसा आया है वैसे ही पैसा खर्च भी होगा। दोस्तों किसी को भी आर्थिक सहायता करने से यश में परहेज करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश जो समय है आपके लिए समय प्रतिष्ठा वर्धक है। आप अपने वाक चातुर्य से तमाम बाधाओं पर भी विजय पाएंगे तथा विशेष कर्मियों से मुलाकात भी आपके लिए सार्थक रहेगा। दोस्तों आपकी कार्यशैली सराहनीय रहेगी। घर में मेहमानों की भी आवाजाही होगी तथा समय जो है हंसी खुशी व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय खर्चों की अधिकता की वजह से आपके बजट पर असर पड़ेगा। कभी कभी बहुत अधिक सोचने विचारने में समय हाथ से निकल सकता है, इसलिए दोस्तों योजना के बनाने के साथ साथ उनको क्रियान्वित करने का भी प्रयत्न करते जाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में व्यक्तिगत जीवन बेहतर बनाने की योजना बनाने में लगा सकते हैं। दोस्तों यह समय आर्थिक समस्या की तकलीफ होने की वजह से आप जो है उनसे जुड़ा कोई भी मार्ग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों यह मार्ग केवल आपकी अभी समस्या को ही दूर करेगा, भविष्य के लिए लाभदायक नहीं होंगे, तो दोस्तों ये आपके लिए बेहतर ही होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके अगर करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में इंश्योरेंस व फिर पॉलिसी से संबंधित व्यवसाय में मुनाफादायक स्थितियां बन रही है, तो परंतु दोस्तों प्रतिस्पर्धा की अधिकता के कारण तनाव रहेगा। हालांकि आप उनमें सफलता भी प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों यश में सरकारी स्वायत्त व्यक्तियों के ऊपर कार्यभार की अधिकता हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय व्यवसायिक दृष्टि से समय उत्तम चल रहा है। दोस्तों आपको काम स्वतः ही बनते जाएंगे, और परंतु ध्यान रखें कि कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपके प्रति जो है साजिश कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों का अपने उच्च अधिकारियों के साथ मेल मिलाप रखना बेहतर होगा और यह समय आपके लिए सकारात्मक ऊर्जाओं का भी निर्माण करेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसाय में भाग्य पूरी आपके पक्ष में है। दोस्तों आसानी से आप बहुत अच्छे सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु दोस्तों प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। यश में कर्मचारियों की गतिविधियों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, किसी प्रकार की फूट यश में आपके ऊपर पड़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कार्यस्थल पर दूसरों पर निर्भर रहने की अपेक्षा स्वयं ही काम निपटाने की कोशिश करें। दोस्तों अपनी योजनाओं और कार्य प्रणाली को किसी से शेयर ना करें। दोस्तों किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया आपको यह समय परेशान कर सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध जो है मधुर रहेंगे, प्रेम संबंधों में भी और अधिक नजदीकियां आएंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। अचानक किसी विपरीत लिंगी मित्र के मिलने से पुरानी खुशनुमा यादें भी ताजा होंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे, पति पत्नी के संबंधों में खट्टी मीठी नोकझोंक रहेंगी। यश में मित्रों के साथ पारिवारिक गेट टुगेदर भी हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों विवाहित जीवन में खुशहाली रहेगी तथा विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात होगी, जिससे दोस्तों आप काफ़ी हद तक अपने आप को अच्छे महसूस करेंगे। और दोस्तों इसके उपरांत यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों इन्फेक्शन जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। महिला वर्ग अपने स्वास्थ्य का यश में विशेष ध्यान रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, थकान की वजह से पैरों में दर्द या फिर सूजन जैसी समस्या रहेगी। काम के साथ साथ भरपूर आराम लेने की भी आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें, एलर्जी या फिर यूनिक इन्फेक्शन जैसी दिक्कत रह सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे,
दोस्तों गलत खान पान की वजह से भी आपका तबीयत इसमें ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से दोस्तों बुखार का भी आपको फीलिंग होगा। तो दोस्तों यश में गलत खान पान से आप परहेज करेंगे आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी।